बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इफ्तारी जो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज इफ्तारी अपने दोस्तों के साथ कर रहा हूँ मैं। मैंने इनवाइट किया हुआ है सभी दोस्तों को, जैन, मुबशर भाई और भाई मुबारक। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आने वाला है। अभी मैं नहाया हूँ, काफ़ी मज़ा किया मैंने। अभी घर जाएंगे, सबसे पहले फ्रूट कस्टर्ड बना लेंगे, तो उसे फ्रीज़र में रख लेंगे और बाकी जो है वो शाम को तैयारी की जाएगी इफ्तारी की। तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो पूरी देखिएगा और बाद में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले दूध जो है वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा सा मज़ीद उबालेंगे। दूध जो है वो उबल चुका है, तो अभी हम जो है वो चीनी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी आग जो है वो हल्की कर लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूध जो हमारा हमारे पास ये ठंडा दूध है, तो अभी इसमें हम कस्टर्ड शामिल करेंगे, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। अभी इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे। अभी हल किया हुआ कस्टर्ड जो है वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये अच्छे तरीके से हमने हल कर लिया था। अभी आग हल्की कर देंगे और चम्मच जो है इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो ये दूध जो है ये भी खालस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसकी ऊपर मलाई जो बनी हुई है। अभी हम फ्रूट केक जो है वो शामिल करेंगे। एक कट लगाएंगे, ये शामिल कर देंगे। अभी हम कटे हुए केले जो हैं वो शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम थोड़ी सी किशमिश भी शामिल कर देंगे। अभी हम सेब कटे हुए शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। तो अभी इसको हम नीचे उतार के किसी बोल में डालकर फ्रीजर में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कस्टर्ड को हमने एक बोल में डाल लिया, तो अभी इसके ऊपर केक लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कस्टर्ड है बिल्कुल तैयार हो गया। तो अभी इसे फ्रीज़र में रख देंगे और शाम को निकालेंगे।
प्याज, गोश्त जो है ये 3 किलो है, और 5 अदद हमने प्याज शामिल किए हैं। अभी कुछ लहसुन शामिल करेंगे। बारीक कटा हुआ अदरक, टमाटर शामिल करेंगे। सॉस ही सब और सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। पानी शामिल करेंगे, नमक, थोड़े सारे ओले ही है। लाल मिर्च, अभी इसको 25 से 30 मिनट के लिए ढाम देंगे, देखें गोश्त ने काफ़ी पानी छोड़ दिया, हमने पानी इतना ज़्यादा नहीं शामिल किया था। तो अभी इसको मज़ीद हम पकने देंगे, अभी 10 मिनट हुए हैं। से गल जाएगा, पानी हमने कम ही डाला था लेकिन खुद बहुत ही गोश्त ने काफी पानी छोड़ा। गल गया तो पानी भी खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी रह गया, क्योंकि हमने इसका शोरबा बनाना है इसलिए अब इसमें हम घी शामिल कर देंगे। तो अगर रोटियों के साथ बनाना हो तो आप थोड़ा मजीद इसका पानी खुश्क कर सकते हैं। अभी हम कर लेते हैं ऑयल शामिल, ऑयल शामिल कर लिया, अभी इसको हम भूनते हैं छतरी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह देखने में बहुत ही मज़े का लग रहा। अभी इसको हम मज़ीद भूनते हैं थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से भून लिया, अभी इसका थोड़ा शोरबा बनाना है तो पानी जो है वो शामिल कर लेंगे। पानी हमने ऐड कर लिया, अभी इसे 10 से 12 मिनट पकाएंगे हल्की आंच पे, ताकि शोरबा हमारा अच्छे तरीके से पक जाए, तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चावलों के साथ ये बनाया है, और ये आप देख सकते हैं कितना ही मज़े का लग रहा है। अभी चिकन को भी नीचे उतार लेंगे, प्याज शामिल करते हैं, ऑयल हमने पहले शामिल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन भी हमने तैयार कर लिया है और बीफ भी तैयार कर लिया है। अभी हम चावल तैयार करेंगे, टमाटर, थोड़ा सा डांपेंगे ताकि ये नरम हो जाए, और साथ ही थोड़ा सा नमक जो चावल में शामिल करेंगे।
मटरों को फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। मटर जो है वो फ्राई हो गए हैं, पानी शामिल कर देते हैं, इसी ज़्यादा पानी डालेंगे। और जितने चावल हैं उससे डबल पानी शामिल करेंगे। अभी हम चावल शामिल कर लेते हैं। खरबूजा है, हाँ जी मौसम भाई क्या हाल। अभी जो है अफ्तारी के बाद पानी पिया जाता है या एक दो चीज खाई जाती है, असल मैदान जो है वो बाद में लगेगा, अभी नमाज पढ़ के आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग नमाज से होके आ चुके हैं, अभी बाकायदा खाने का आगाज करते हैं और फिर दोस्तों से फीडबैक लेंगे कि खाना जो है वो कैसा बना था। अल्हम्दुलिल्लाह खाना मुकरम भाई कमाल का बनाते हैं, बड़ा मज़ा आया। मुकरम भाई बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाए इस सारी अफ्तारी की। तो इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, मोहब्बत तो पहले भी बहुत ज़्यादा है लेकिन अभी और बढ़ गई है। मुकरम भाई जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
आप लोगों ने टाइम निकाला। माशाल्लाह जी, इफ्तारी का बंदोबस्त मुकर्रम साहब ने बहुत ही अच्छा किया। इन दिनों गर्मी भी काफ़ी है, मगर इस गर्मी में जो है ना इफ्तारी का बंदोबस्त करना काफ़ी मुश्किल मरहल है। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, और दोस्तों में बैठ के खाने का वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो ये तो मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि जो दोस्तों के साथ मज़ा है वो कहीं भी नहीं है, और इफ्तारी बहुत ही अच्छी थी। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। मुकर्रम साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाए, और रमज़ान के रोज़ों में इसी तरह इफ्तारी करने बनाने और बुज़ुर्गों की खिदमत करने और दोस्तों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मुबारक भैया, आपने टाइम निकाला। हाँ जी जैन भाई, खाना सही बन गया? बहुत ही ज़बरदस्त बनाया, और थैंक यू आपने मेरे लिए एक दफ़ा फिर से चिकन बनाया। खाना वाकई में बहुत मज़े का है भाई, मुकर्रम के हाथ में बहुत टेस्ट है, ज़बरदस्त वाकई। हाँ बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह मुकर्रम भाई ने बड़ी मेहनत से लगन से खाना तैयार किया है, सब दोस्तों ने बहुत मज़े से खाया है। शुक्रिया मुकर्रम भाई, खाना माशाल्लाह बहुत मज़ेदार था, वाकई बहुत इंजॉय किया आज की इफ्तारी को। काफ़ी दिन के बाद दोस्तों में जो बैठ के और इस तरह की गैदरिंग जो आप लोगों के सामने है उसमें बैठ के खाने का कभी कभी शर्फ नसीब होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी दोस्त बहुत कोऑपरेटिव और बहुत प्यार करने वाले हैं, और बहुत शुक्रिया मुकर्रम भाई कि आपने मुझे मौका दिया अपने साथ इस तरह। बहुत इस तरह शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी मौजम भाई, माशाल्लाह मुकर्रम भाई बहुत मज़ा आया आज, सारे यूट्यूब पर इकट्ठे होकर खाना खाया, इफ्तारी की है, माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया। बिस्मिल्लाह। ये कस्टर्ड बनाया था तो ये सर्व करेंगे भाई मशर। रोज़ा अफ्तार किया था, रोज़ा अफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद आके खाना खाया, खाना खाने के बाद अभी जो है वो मुकर्रम साहब ने बनाए थे कुछ मीठा मीठा, तो अभी हम वो खाने लगे हैं। तो ये तीसरी शिफ्ट है हमारी, अभी निकल जाते हैं। अल्लाह ताला मुकर्रम भाई के और आप सब के दस्तरखान को वसी वसत अता फरमाए, आप सब पर अपनी रहमतें और करम जो है वो नाजल फरमाए। मुकर्रम भाई जो हैं बड़े प्यार वाले बंदे हैं, तो हम लोग तो नहीं इनवाइट कर सके इन्हें अफ्तारी पे, चूँकि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं। ये भी आपकी इफ्तारी है तो कोई फर्क नहीं है आप में और हम में, कोई फर्क नहीं है, ये मोहब्बत है आपकी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो कहीं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको टाइम पर मिल सकें। माशाल्लाह जी, कस्टर्ड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बना है और खाने में मज़ा आया। मैंने तो ये बाउल जो है वो बिल्कुल साफ़ कर दिया और बहुत ही मज़े का था, आने का बहुत मज़ा आया। मुकर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाला इस गर्मी में और बहुत मज़ा आया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तमाम देखने वालों का, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।